Hello class 3, today we will start our revision in geography and we will start our revision from chapter 9, weather and climate. As all the second term chapters are already explained to you, so we will start revision from today onwards. Okay, I have prepared some question and answers and I will explain you so that it will be easy for you to remember this question and answers. Let's start. So the first question is, what is weather? Answer will be, weather is the atmospheric condition of a particular place at a particular time. It means, weather means, हम लोग already पढ़ चुके हैं पहले कि weather क्या है, कि एक particular time पे, एक particular place का जो atmospheric condition रहता है, that is called weather. Second question is, what is climate? Climate is the average condition of weather of a large area over a long period of time. So what does it say? Climate means the average condition of the weather over a large area over a long period. मतलब बहुत time से एक बहुत बड़ा जगह का जो average weather रहता है उसी को climate बोला जाता है. Next, how can we describe weather? हम लोग weather को किस तरीके से describe कर सकते हैं? We can describe weather as hot or cold, still or windy, and wet or dry. So, how can we describe the weather? Weather को describe करने के लिए हम लोग ये तीनों basic features पे ही concentrate कर सकते हैं. That is hot or cold, मतलब गर्मी या ठंडा. Still or windy, हवा बह रहा है या नहीं बह रहा है. And wet or dry, बारिश हो रहा है या नहीं हो रहा है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेदर? द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेदर इज़ दैट इट कीप्स चेंजिंग ऑल द टाइम. सो व्हाट इज़ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेदर, मतलब वेदर का बेसिक फीचर क्या है? इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक यही है कि ऑल टाइम वेदर चेंज होता रहता है. मतलब अभी जो वेदर, अभी जैसा वेदर है, नॉट नेसेसरी के दो घंटे बाद भी सेम ही रहेगा. ओके, नेक्स्ट, व्हाट मेक्स द वेदर? द सन, एयर एंड वाटर टुगेदर मेक द वेदर. वेदर का थ्री बेसिक एलिमेंट्स है, द सन, एयर एंड वाटर. नेक्स्ट, व्हाट रोल डज द सन प्ले? सन का क्या रोल है, मतलब वेदर में सन का रोल क्या है? द रेज ऑफ द सन हिट द ग्राउंड. सबसे पहला क्या है कि सनलाइट जो आता है वो आके अर्थ के ग्राउंड में गिरता है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन पे आके अर्थ के ग्राउंड पे आते हैं. अर्थ के ग्राउंड पे जैसे सनलाइट आता है तो वो ग्राउंड को गर्म करता है. दिस इन टर्न हिट्स अप द एयर अबव द ग्राउंड. जैसे ग्राउंड गर्म हो गया तो ग्राउंड के ठीक ऊपर में जो एयर रहता है वो भी गर्म हो जाता है. द हॉट एयर राइजेज एंड कूल एयर टेक्स इट्स प्लेस एंड दिस मूवमेंट गिव्स अस विंड. तो क्या बोल रहा है कि जैसे ही हवा गर्म हो जाता है, मतलब ये जो सोचो कि ये सन है, ये ग्राउंड है, यहाँ पे आके पहले सन रे आके गिर रहा है, ये ग्राउंड गर्म हो रहा है, इसके बाद यहाँ पे जो एयर है वो एयर गर्म हो रहा है. ठीक है, जैसे ये एयर गर्म हो जाता है तो ये क्या होता है, हल्का हो जाता है और ऊपर उठ जाता है. अब यहाँ पर एक गैप मतलब हो रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, हवा यहाँ का हवा गर्म होकर ऊपर उठ गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके आसपास से जो भारी और ठंडा हवा है वो आके ये जगह को कैप्चर कर लेता है, फिर से वो हवा यहाँ पे गर्म होता है, हल्का होता है और ऊपर उठ जाता है. तो ऐसे ही प्रोसेस, ऐसे ही मूवमेंट कंटिन्यूसली चलता रहता है और इसी मूवमेंट के वजह से ही विंड ब्लो करता है. इसके अलावा सन का और एक इम्पॉर्टेंट रोल है, द सनलाइट ऑल्सो हेल्प्स इन द इवेपोरेशन ऑफ वाटर विच फॉर्म्स क्लाउड्स एंड कम्स डाउन एज रेन. क्या होता है कि सनलाइट फिर से वाटर बॉडी पे गिर रहा है, वाटर बॉडी पे गिर के क्या हो रहा है कि जो पानी है वो पानी भी धीरे धीरे गर्म हो रहा है, गर्म होके वो इवेपोरेट हो जा रहा है और ऊपर हल्का होके वो ऊपर उठ जा रहा है. ऊपर उठ के वो क्या होता है, एक जगह पर जाके वो ठंडा हो जाता है, मतलब जिसको कंडेंसेशन बोला जाता है, ठंडा हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो टाइनी ड्रॉपलेट्स फॉर्म करते हैं एंड वही ड्रॉपलेट्स फिर रेन के हिसाब से फिर से अर्थ में वापस आ जाता है. द
दिस इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल। मैंने ऑलरेडी ये चैप्टर एक्सप्लेन करते समय तुम लोगों को ये दोनों मूवमेंट ऑफ द विंड एंड वाटर साइकिल दोनों ही समझाए थे विद द पिक्चर। सो अगर पॉसिबल हो तो वो वीडियो एक बार तुम लोग देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रेन गेज और रेन गॉज। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द रेनफॉल। मतलब रेनफॉल को मेजर करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज एन एनीमोमीटर। एनीमोमीटर मेजर्स द स्पीड ऑफ विंड, मतलब विंड का स्पीड मेजर करता है। एंड व्हाट इज़ अ थर्मोमीटर। अ थर्मोमीटर मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। कोई भी प्लेस का टेम्परेचर थर्मोमीटर से नापा जाता है। सो क्लास थ्री, प्लीज़ लर्न दिस क्वेश्चन आंसर्स, और तुम लोग ये कॉपी में भी लिख लेना तो तुम लोगों के लिए इजी हो जाएगा रिमेंबर करना। ओके, थैंक यू क्लास।